वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं देखिए ये मूली इतनी हार्वेस्ट की हूँ और इसको कैसे अपने टेरेस गार्डन में वेस्ट में लगाना है वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, सीड टू हार्वेस्ट। तो किस तरह से मैं कुछ अच्छी ग्रोथ हुई है मूलियों की, कोई कम ग्रोथ हुआ, जिसको जैसा स्पेस मिला उस तरह से ग्रोथ लिया है। तो मैं जानती हूँ कि कोई अच्छा ग्रो क्यों हुआ और कोई इस तरह से छोटे छोटे क्यों ग्रो हुए। तो स्पेस का बात होता है, जिसको जितना ज़्यादा स्पेस मिला वो उतना ज़्यादा ग्रो हुआ, ये देखिए। और जो एक मैं वेस्ट में बहुत सारा लगा दी थी वो छोटा छोटा ग्रो किया, लेकिन देखिए कितने अच्छा इसका, देखिए इसका मोटाई देखिए कितना अच्छा है। और भी मूलियाँ मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा है, सब आप क्लोजअप से देखिए कितना अच्छा ग्रो है। तो काफ़ी आसानी से, बहुत ज़्यादा मेहनत मैं नहीं की हूँ, ऐसा नहीं कि इतनी मूलियाँ लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। एक बार मैं इसकी ग्रीन लीव्स की भी एक बार भाजी बनाकर खा चुकी हूँ। तो मैं ये सारा टिप्स किस तरह से हम लोग इतना हेल्दी हार्वेस्ट ले सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसी सॉइल चाहिए वो सब आपको बताती हूँ। दोस्तों 50% गार्डन सॉइल है, 30% कंपोस्ट है, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट या कार्डंग कंपोस्ट आप ले सकते हैं। साथ ही 20% रिवर्स एंड है। फंजीसाइड के लिए आप नीम की खली और हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग खाने के लिए ग्रो कर रहे हैं मूली, तो हम लोग इसमें कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर ही यूज़ करेंगे, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। और सॉइल एकदम हल्की बनानी है जिससे कि मूली को नीचे रूट ग्रो होने में दिक्कत नहीं हो। चलिए अब इसको हम लोग मिक्स करते हैं। बारिश की वजह से मेरी मिट्टी गीली है। अच्छे से सॉइल को मिक्स कर लेना है, पूरा पोरस सॉइल होना चाहिए ताकि काफ़ी सॉफ्ट मीडिया रहे, और मूली का हम लोग मिट्टी के अंदर ग्रो करती है तो काफ़ी सॉफ्ट मीडिया चाहिए होता है हम मूली ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों अच्छी पोरस मीडिया बनाइए। मैंने मिट्टी मिक्स कर ली है और अब इसको पॉट में डालने की बारी आई है। तो अब दोस्तों मूली ग्रो करने के लिए हमें गहराई वाली पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए, जिसे मूली नीचे तक गहराई तक जाता है उसका लेंथ। तो ऐसा मैं एक वेस्ट में ग्रो करी हूँ अमेजोन का, देखिए ये अमेजोन का कुछ प्रोडक्ट मंगवाई थी, उसी से ये मुझे बैग मिला है, तो उसी में मैं मूली ग्रो करूँगी। आप वेस्ट में बेस्ट कर सकते हैं अपने किचन गार्डनिंग में, बिना कोई ज़्यादा खर्च किए तामझाम किए, तो रूट उसके डीप जाते हैं, मूली गहराई तक जाती है। तो ऐसा डेप्थ वाला हम लोगों को सेलेक्ट करना है कोई भी हम लोगों को, या तो आप चावल वाली बोरी में भी ग्रो कर सकते हैं और ड्रेनेज होल बना लेना है किसी भी टूल की मदद से, मैंने छेद कर दी है। तो चलिए अब इसमें मिट्टी फिलअप करते हैं। दोस्तों ये देखिए ये है मूली की सीड्स। दोस्तों ये देखिए मैं ग्रो बैग में डाल चुकी हूँ, मिट्टी फिल कर चुकी हूँ, अब सीड्स डालने की बारी है। तो एक एक सीड्स को मैं डाल दे रही हूँ इस तरह से। दोस्तों हमें मूली के सीड्स को ना ज़्यादा ऊपर रखना है मिट्टी का, ना ज़्यादा गहराई में डालना है, हल्की गहराई में डालिए, जिससे मूली के जड़ अच्छे से मिट्टी में जम पाए और मूली अच्छे मजबूती के साथ नीचे की ओर ग्रो करे। तो इस तरह से मिट्टी से कवर कर दूंगी और मैं वाटरिंग कर दूंगी। और इसको अभी हम लोग धूप वाली जगह में, कोई भी हम लोग सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो थोड़ी धूप वाली जगह में इसको रखें, ऐसी जगह रखें कि इसे अच्छी धूप मिले, 6-7 घंटे की धूप मिल पाए, तो बहुत ही जल्दी इनमें स्प्राउटिंग हो जाती है। तो मेरी तो 3 दिनों में ही, देखिए ये पिक्स है, वीडियो डिलीट हो गई, तो 3 दिनों में ही ये जर्मिनेट हो गया, ये 3रे दिन का ही ये अपडेट है।
और दोस्तों ये देखिए, ये हफ्ते भर के बाद का अपडेट है और मैंने इसकी थिनिंग भी कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा एक साथ ग्रो हो गए थे तो आपको ऊपर विंडो में शो हो रहा होगा, तो इस तरह से कुछ सैपलिंग को निकाल कर मैंने इस चावल के बोरी में ट्रांसफ़र कर दी थी। देखिए इस तरह से इसको निकाल कर सामने बोरी में ट्रांसफ़र कर दी थी। और ये फिर 30 दिन का अपडेट है और इस समय खाने लायक ये हो गया था, तो अभी मैं इसकी लीव्स को हार्वेस्ट करूँगी ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो और नीचे मूली की मोटाई अच्छी हो जाए उसकी, और मतलब वो अच्छा ग्रोथ करे। तो मैं लीव्स को हार्वेस्ट कर ले रही हूँ ताकि थोड़ी वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्तियाँ रहने से भी फिर मूली की ग्रोथ कम होती है और पत्तों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो थोड़ी पत्तों को हल्की मैं कर दूँगी इस तरह से। और इतनी लीव्स मैंने हार्वेस्ट की है और इसको आप अपने भाजी बनाकर खा सकते हैं, मैं खाई थी। और दोस्तों ये देखिए, मूली अब हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है और ये 40 से 45 दिन की क्लिपिंग है। और अपडेट के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ही मेहनत लगता है अपडेट के साथ वीडियो बनाने में, तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है, साथ ही कमेंट के थ्रू आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से देखिए अभी मूलियों की ग्रोथ चल रही है, अभी मैं कुछ दिन और छोड़ दूंगी तो और इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो मैं अभी 2 मूली हार्वेस्ट करूंगी सैलेड के लिए। और ये देखिए लंबाई तो अच्छी है, चौड़ाई और हो सकती थी, तो मैं सैलेड के लिए 2 मूली हार्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही खुशी लगती है, यकीन मानिए। और मूली के सीड कोई ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं मार्केट से, आप परचेस कर थोड़े अच्छे हेल्दी हाइब्रिड सीड लाया करें। तो हाइब्रिड सीड क्या होता है कि आप किसी भी पॉट में के ग्रो करने के लिए बेस्ट होती है, और इसी तरह हाइब्रिड सीड से आप ग्रो करा करें। और मैंने तो वेस्ट में ही ग्रो की है, चावल की बोरी और अमेजोन की देखिए ये बैग्स में, ग्रो बैग्स में, वैसे भी इसको हम लोग फेंक देते हैं तो उसी में आप लोग ग्रो करा करें दोस्तों। और दोस्तों ये तकरीबन 50 दिन की ये क्लिप है, देखिए मैं इसको एक पॉट में सिंगल ग्रो की थी तो इसकी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो अच्छा स्पेस अगर इसको मिले फैलने के लिए तो बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ रहता है, लेकिन हमें टेरेस गार्डनिंग करते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी होती है, तो एक ही ग्रो बैग में मैंने बहुत सारी लगा दी तो इस कारण अच्छी खासी हार्वेस्ट हुई है, उतनी ख़राब भी नहीं है। तो हल्के हल्के मैं गुड़ाई कर ले रही हूँ क्योंकि मिट्टी बहुत दिन पड़े पड़े थोड़ा जम सा गया है। तो देखिए अब मैं हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ और ख़राब नहीं है, अच्छा हार्वेस्टिंग है और कुछ भी मेहनत नहीं है ज़्यादा, आप लगा दीजिए बस पानी देते रहिए और बीच में मैंने कुछ भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं की है। और देखिए अच्छी खासी मेरी हार्वेस्टिंग हो रही है दोस्तों। आप अपने मेहनत से घर में एक पीस भी आपको मूली मिले ना, तो या फिर कोई भी एक सब्जी मिले, एक छोटा सा भाग भी मिले, तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में तो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग अर्बन गार्डनर हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग भी गार्डनिंग करिए और खूब सारा मूली हार्वेस्ट करिए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग। ये देखिए मूलियाँ, आप सभी इंजॉय किए ना वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत शेयर करना वीडियो।